तंग भी नहीं हो गया गर्म में लग जाता बादल खाली हो गए अंदर जाते हरे कृष्ण इसको खाली कर दिया इसको ये फटो को तो लेकर ही जाएंगे प्रोसेशन में ओ मैं ज्ञानतिमिराम तस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै यस्तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वृंदाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रददेवी सत्यवतै नमो नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाय तुलसी देव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रददेवी सत्यवतै नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला भ्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद्भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला भ्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज की चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री नवद्वीप धाम की महिमा को श्रवण कर रहे थे। गत कल क्या श्रवण किया था? नवदा भक्ति। इसलिए कहते जो नवदा जो भक्ति है कहते जो एक एक जो दीप है वो एक एक दीप नहीं और एक एक भक्ति का अंग है। और ये दीप क्या है बल्कि राधा रानी ने अपना हृदय से एक एक कुंज को उन्होंने प्रकट किया है। कृष्ण सेवा के लिए उन्होंने ये कुंज को प्रकट किया है। इसलिए ये दीप नहीं एक एक कुंज है। राधा रानी कृष्ण जिसको जिसमें विहार करते हैं जिसमें बिहार करते हैं वो एक एक कुंज है और वो एक एक भक्ति के अंग है। जैसे नव विद्या भक्ति में प्रहलाद महाराज ने बताए इति पुंसार पिता विष्णु भक्तिश्चेत नवलक्षणा क्रियते भगवत अध्याय तन्मन्य धितमुतम। बोले जितने विद्या में सर्वश्रेष्ठ विद्या है सर्वप्रथम गुरु जी की चरण में ठाकुर की चरण में सबसे पहले शरणागत हो जाओ। शरणागत कैसे? जैसे किसी गैया को बेच देने पर वो गैया की अपना कोई अस्तित्व तो नहीं रहता है। वो माली की जैसे करवाता है वो वैसे ही करती है। खुंटा में बांध कर रख सकती खाना दे सकती खाना नहीं दे सकती किसको पर निर्भर करता है? कहती ये मालिक को ऊपर निर्भर करता है गैया को ऊपर निर्भर नहीं करता है। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते जो भक्ति है सर्वश्रेष्ठ भक्ति क्या है? सर्वप्रथम अपना समस्त इच्छाओं को गुरुजी वैष्णव और भगवान के चरण में समर्पित कर दो। अपना कोई इच्छा नहीं रहनी चाहिए। हम ये चाहते हैं गुरुजी हम तो ऐसे करना चाहते हैं गुरुजी नहीं ये भक्ति नहीं। भक्ति वह है प्रहलाद महाराज कहते हैं पहले गुरु वैष्णव जो कहते हैं शास्त्र जो कहता है उसको हमें पालना करनी चाहिए। फिर तो उसको बाद में फिर
ये जो नवविद्या भक्ति है, जब हम भगवान की गुरु जी की बन गए तब फिर अपना अस्तित्व नहीं रह गया, नहीं तो वो कर्मयुक्त भक्ति हो जाता है, कर्म अर्पण भक्ति हो जाता है। कोई काम करके हमने फिर वो चीज ठाकुर को अर्पण किया। कुछ लोग कहते हैं ना, सारे काम कर लिया, सारे काम करके ठाकुर जी अभी ये चीज आपको अर्पण कर रहा हूं, ये कर्म मिश्रा भक्ति हो गया, कर्मार्पण हो गया, ये शुद्ध भक्ति नहीं। शुद्ध भक्ति कहते किसको? प्रहलाद महाराज कहते पहले खुद को खुद समर्पित कर दो। जब हम गुरु जी की वैष्णव की भगवान की बन गए तब हमारी क्या कर्तव्य क्या है? तब तो उनकी सेवा करना कर्तव्य, हमारे और कोई कर्तव्य नहीं है। ऐसे करते हुए जो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम, फिर जा करके जब ये भक्ति को करते हैं, प्रहलाद महाराज कहते हैं ये भक्ति उत्तम भक्ति है, ये भक्ति उत्तम भक्ति होगी, नहीं तो ये भक्ति उत्तम भक्ति नहीं होगी। इसलिए कहते एक एक भक्ति एक अंग साधे के साधे बहु अंग कृष्ण प्रेम उपजय निष्ठा प्रेम मेरे तरंग। कहते कोई व्यक्ति एक अंग जाजन करता है, कोई बहुत भक्ति का अंग जाजन करता है, जैसे श्रवण में श्री परीक्षित महाराज, कीर्तन में श्री बयास की, अर्चन में श्री पृथु महाराज, स्मरण में प्रहलाद महाराज, उन लोगों ने एक एक भक्ति को निष्ठा पूर्वक जाजन की तो फिर उनको भगवत प्राप्ति हुई है, तब इसको ठाकुर जी की प्राप्ति हुई। लेकिन ऐसे कोई भक्त दिखाई पड़ता है, उन्होंने एक साथ में बहुत अंगों को जाजन करते हैं, जैसे श्री परीक्षित महाराज बोले सबई मन कृष्ण पदार बिंदयो, कहते मन को उन्होंने कहाँ दे कर रखा था? भगवान के चरण कमल में। बोले बाचांस वैकुंठ गुणानुवर्णन, ने बोले वाणी को क्या करते थे? भगवान की लीला गुणों को चरित्र में करते थे। बोले करो हरिर मंदिर मार्जनादिशु, बोले हाथ को द्वारा क्या करते थे? भगवान की मंदिर को साफ करते थे। बोले श्रुति तो चकार अच्युत कथा सद, कानों से क्या करते थे? भगवान की कथा सुनते थे। इसलिए उन्होंने बहु अंग को, परीक्षित श्री अम्बरीश महाराज ने बहु नवविद्या भक्ति को अकेला ही जाजन करते थे। जैसे देखो हम मंदिर में भी हैं, हम मंदिर में भी बहु अंग जाजन करते हैं, अभी कथा सुन रहे हैं, भगवान का कीर्तन भी करते हैं, ठाकुर का अर्चन भी करते हैं, ठाकुर जी का स्मरण भी करते हैं, हम भी बहुत अंग को भी जाजन करते हैं। लेकिन जाजन जो कुछ करे, लेकिन प्रेम कब प्रकट होता है? बोले निष्ठा है ते उपजय प्रेम मेरे तरंग, प्रेम तभी प्राप्त हो सकती है मूल निष्ठा है। अगर निष्ठा पूर्वक कोई एक चीज करेंगे तो फिर तो वो प्रेम प्राप्त होगी, अगर निष्ठा अगर नहीं होगी तो प्रेम कहाँ से आएगा? सबसे पहले हमारी निष्ठा होनी चाहिए, निष्ठा के बगैर कुछ मन अगर इधर उधर भटे तो कैसे फिर भक्ति होगा? भक्ति हो ही नहीं सकता है, इसलिए पहले हमारी निष्ठा परिपक्व होनी चाहिए। लेकिन ये जो नवद्वीप धाम है, कहते अगर हम जब एक एक द्वीप में जाते हैं वो क्या हो जाता है? एक एक भक्ति का अंग अपनी आप प्राप्त हो जाता है, अपनी आप प्राप्त होता है एक एक है एक एक धाम में जाने पर। इसलिए कहते वहां पर जो नौ द्वीप क्या क्या है? अंतरद्वीप, सीमंत द्वीप, गोद्रुम द्वीप, मध्य द्वीप, कोल द्वीप, ऋतु द्वीप, जन्हु द्वीप, मदोद्रम द्वीप, ये कहती ये नवद्वीप है। जो नवद्वीप है कहती ये एक एक द्वीप एक एक भक्ति का अंग है। कहते कौन सा द्वीप में जाने पर हमें कौन सा भक्ति करने का फल मिलेगा? मतलब अगर कोई अंतर द्वीप में जाएगा उसका फल मिलेगा आत्मनिवेदन भक्ति मिलेगा है। अंतरद्वीप, अंतरद्वीप कौन सा द्वीप है? कहते श्री मायापुर है मायापुर अंतरद्वीप है। अंतरद्वीप नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वहां पे अपने अंदर की बात चैतन्य महाप्रभु ने बताई थी। हाँ, किसको? ब्रह्मा जी को। इसलिए उन्होंने महाप्रभु जब ब्रह्मा जी जब बछड़े सखाओं को चोरी की, उन्होंने देखा भगवान के चरण में मैंने तो माफी मांगी, भगवान हृदय से खुश नहीं हुए, हृदय से खुश नहीं हुए। फिर सोचे अभी मैं क्या करूं, अभी मैं क्या करूं। देखा यही कृष्ण ही कलयुग में महाप्रभु रूप में नवद्वीप धाम में आएंगे, इसलिए ब्रह्मा जी ने जब तपस्या की,
भगवान अपना अंतर की बात उन्होंने बताया है। मतलब मैं यही नवद्वीप धाम में सच्चिदानंद गौर हरि बन करके आऊंगा, इसलिए तुम हरिदास ठाकुर बन करके आओ, और तीन तीन लाख को हरिनाम करते हुए नामाचार्य उपाधि प्राप्त करते हुए जगत में हरिनाम को प्रचार करो। इसलिए उसका नाम पड़ गया अंतर दीप नाम पड़ गया है। और वो जो भक्ति का कौन सा अंग है, कहते आत्मनिवेदन है। जैसे बलि महाराज ने भगवान के चरण में आत्मनिवेदन कर दिया, सब सर्वस्व उन्होंने दे दिया है, सब कुछ दे दिया। ठाकुर तो तीन पग में उनको पता चल गया था ये कौन है भगवान। आकर के शुक्राचार्य बोले सावधान, जानते हो ये कौन है, पहले जो है पहले मोहिनी बन करके तुमको जो अमृत ठग लिया था वो मोहिनी अभी मोहन बन करके आया। खबरदार ये तीन पग जमीन नहीं, ये त्रिभुवन राज्य ले जाएगा है। फिर तुमको तुमको नाग इसमें तुमको वरुण पास में बांध देगा, खबरदार इसको देना नहीं। उस गुरुजी ने बोल दिया देना नहीं, ऐसे दान को दान नहीं माना जाता है जो सब कुछ दे दे। अरे अपना घर गृहस्थी भी तो है, उसके लिए तो कुछ रखा करो, ऐसे नहीं सब कुछ दे दिया फिर घर गृहस्थी कहीं चलाओगे। लेकिन शुक्राचार्य क्या सोच रहे थे, अगर मेरा चेला अगर लुटा जाएगा तो भैया मेरे को ही कुछ मिलेगा नहीं, गुरु को कुछ मिलेगा नहीं। अगर चेला लुटा जाएगा तो गुरु को कुछ मिलेगा नहीं, इसलिए आकर के सावधान कर रहे थे। बोले उन्होंने बोले भैया मेरे दोनों हाथ में लड्डू है, एक तो माता जी है पर शेर के ऊपर बैठ करके आई है, एक तो दान मांगने के लिए आए, लेकिन दान मांगने वाले कौन आए हैं, स्वयं ठाकुर जी आए हैं। इससे बड़ा कोई हो सकता है जगत में है? ये दुनिया तो एक दिन ही जाएगा ही, एक दिन ही जाएगा ही दुनिया है, एक दिन जाएगा। और देने वाले कौन है, ठाकुर देने वाले तो ठाकुर है, और ठाकुर लेने के लिए आए। तुम कैसे गुरु जी हो जो खुद बोलते हो ठाकुर को मत दिया करो है, ऐसे कोई गुरु है? गुरु का क्या काम है, कहते अखंड मंडलाकारम व्याप्त जैन चराचरम तत्पद दर्शितम जैन तस्मय श्री गुरव नमः। ये गुरु का काम है जो भगवान की चरण को दर्शन करा दे, प्राप्त करा दे। और साक्षात ठाकुर जी आए हैं, आप क्या कह रहे हो, ठाकुर को मत दो, भले कोई गुरु है। इसलिए उन्होंने ऐसे आत्मसमर्पण कर दिया, गुरु को त्याग नहीं देनी चाहिए, लेकिन उन्होंने गुरु जी को त्याग दे दिया। क्यों, ठाकुर जी सेवा के लिए जो बाधा बनते हैं, भगवान स्वयं मांगने के लिए आए दुनिया जिसकी, उनके लिए जो मना करे भैया उसके क्या गुरु, ऐसे कोई थोड़ी गुरु है। चलिए उन्होंने गुरु जी को उन्होंने त्याग दे दिया, मतलब भगवान के लिए उन्होंने गुरु जी को भी उन्होंने त्याग दिया। इसलिए इतने बड़े काम, फिर उनको पता था ये सर्वस्व हरण करके ले जाएगा, तब भी उन्होंने क्या की, ठीक है संकल्प करता हूं। बस ठाकुर जी दो पग में सब कुछ ले लिया, तीसरी पग में उन्होंने अपना सर को भी झुका दिए, ठाकुर जी अपना अभय चरण को उन्होंने बलि महाराज के ऊपर प्रदान की। बोले श्री बलि महाराज की, बोले श्री बामन भगवान की। इसलिए उन्होंने संपूर्ण आत्मसमर्पण कर दिया, और इतने आत्मसमर्पण कर दिया जब बोले बर्मागो, बोले प्रभु जब मैं बाहर जाऊं आपको दर्शन करते हुए जाऊं, जब अंदर में भी आओ आपको दर्शन करो। भगवान दरवान बन गए। दरवान बन गया मतलब क्या है, सचमुच क्या दरवान बने, नहीं, उनका प्रेम में बसीभूत होकर ठाकुर जी वहां पर बंद गए। इसलिए कहते बलि महाराज हैं, जब ठाकुर जब बैठे हुए होते हैं, आप बैठ कर क्या करते हैं, भक्त भगवान बैठ करके हरि चर्चा करते हैं, हरि की चर्चा करते हैं, हरि कथाई करते हैं। इसलिए हरि चर्चा में, इसलिए इनको आत्मसमर्पण सर्वस्व उन्होंने ठाकुर जी को अर्पण किया, और भगवान भी स्वयं उनको आत्मसमर्पण किया, भक्त भी किया और भगवान भी। दरवान अभी तक तो किसको बने ठाकुर जी का, लेकिन इनकी प्रेम में दरवान बन गए। कहते ये एक अर्थ, बोले जो वास्तव की जो आत्मनिवेदन किया है, कहते वास्तविक रूप में आत्मनिवेदन किया है। फिर यहां पर बताए जहां पर कृष्ण स्वयं राधा रानी के चरण में आत्मसमर्पण किया है, ये आत्मनिवेदन है। नवद्वीप धाम है ना, ये नवद्वीप धाम है। यहां पर स्वयं जब कृष्ण द्वापर युग में आए, समस्त लीलाओं की लीला जब विश्राम हो गया, कहां पर गए, गोलोक वृंदावन गए, अभी निकुंज में बैठे बैठे करके सोच रहे हैं, सब चीज को मैंने तो आस्वादन किया है, मैं भगवान होकर के सखाओं का सखा बन गया, दुनिया मेरे झूठन खाते हैं, मैं सखाओं को झूठन खाया है,
सखाओं को छुट्टी न खाया। पहले अगर सखाओं को कोई फल मिल गया, बोले कन्हैया फल बड़ा मीठो सा है, बोले तू क्या अकेले खाओगे, मेरे को नहीं दोगे? उनको झूठन को छीन करके भगवान खाए। अगर कभी भगवान खेलते खेलते हार गए तो बोले घोड़ा बन, बोले नहीं मैं नहीं घोड़ा बनता हूँ, कृष्ण कहते। बोले घोड़ा नहीं बनोगे? बोले नहीं, बोले इसको अकेले कर दो, इसको कोई बात नहीं करना। बोले भैया नहीं नहीं ऐसे मत करो, मैं घोड़ा बन जाऊंगा। घोड़ा बन गए हैं ठाकुर जी, घोड़ा बन गए। इसलिए कुश्ती लड़ते लड़ते क्या हुआ, श्री राम ने कृष्ण को पछाड़ भी दिया, कृष्ण हार भी गया, खुश हुए, भक्तों के सामने हार गया है। वात्सल्य रस में उन्होंने मैया जशोदा की उखल में उन्होंने बंधन की स्वीकार की, डांट डपना स्वीकार की। ब्रज गोपियों के सामने उन्होंने है कहते न पार अहम निरबद्ध संजुजाम सो साधु कृत विबुधाई व सापी वह गोपियों, ब्रह्मा जैसे परमायु लेकर के भी मैं कभी तुम्हारी ऋणी से ऋणी नहीं बन सकता। जहां पर राधा रानी मान करने पर कृष्ण अपना मर मुकुट उतार कर रख देते हैं, अपना बंसुरी रख लेते हैं, खुद का नाम भी राधा जी के चरण में लिख देते हैं, बोले मेरा नाम भी धन्य हो जाए। मतलब इतने तक मैंने भक्तों का प्रेम में वशीभूत होकर किया है। लेकिन जो एक जो चीज है मेरे समझ में नहीं आया, वो क्या है? कहते राधाया प्रण महिमा की दृशम, राधा रानी की क्या प्रेम की महिमा है, मेरा क्या अद्भुत मधुरिमा है, और राधा रानी मेरे प्रेम को कैसे आस्वादन करती है, हैं? इसलिए मेरे को जितने आनंद राधा रानी को, उससे करोड़ों गुण आनंद, करोड़ों गुण आनंद मुझसे राधा रानी को प्राप्त होता है। फिर राधा जी के अंदर में इसे क्या प्रेम है और मेरे अंदर में वो क्या रस है, अभी इसका आस्वादन करने के लिए कलयुग में राधा जी की भाव अंग कांति लेकर के महाप्रभु जगत में अवतीर्ण हुए हैं। इसलिए यहाँ पर कृष्ण ने क्या किया, उन्होंने आत्मसमर्पण किया किसको सामने, राधा जी के चरण में। उन्होंने राधा जी के चरण में उन्होंने आत्मसमर्पण किया। इसलिए कृष्ण सोचते हैं सारा दुनिया मेरी इतने मीठी बोली, सारा दुनिया मेरी बोली सुनकर मुग्ध हो जाते हैं, लेकिन जब मैं राधा रानी का बोली सुनता हूँ मैं मुक्त हो जाता हूँ, हैं? इसलिए मेरे शरीर इतने कोमल है, कहते निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल है, कहते भगवान के शरीर करोड़ चंद्रमा से सुशीतल है, इतने सुशीतल मेरा शरीर है। लेकिन मैं जब राधा रानी के अंग को स्पर्श करता हूँ मेरा सुशीतल, मेरा शरीर सुशीतल हो जाता है। मेरे नाम सुनकर के दुनिया पागल हो जाता है मेरे नाम सुनकर के। इसलिए कहते ना तुंडे तांडव बीतुते तुंडा बलि लब्ध कर्ण क्रड़ो कड़म घटे कर्णा बुधेव स्प्रिया चेत प्रांगण संगनि रचयते सर्वेन्द्रिया नाम कृति नो जानि जनित किम अद्भुत कृष्णति वर्ण दय। यदि कृष्ण ये जो दो वर्ण में इतने रस है, इतने आनंद है, कृष्ण रस में जो कान में प्रवेश करता है लगता है करोड़ों करोड़ों कान क्यों नहीं मिला, जीवा में उदय हो तो भले अर्बुद खरबुद जीवा क्यों नहीं मिला, हृदय में प्रवेश करे तो सारी जड़ इंद्रिय को स्तब्धीभूत करके वो दिव्य अपराकृत अनुभूति को वहां प्रकट कर देती है। लेकिन ये ऐसे कृष्ण का दो अक्षर, लेकिन जब मैं राधा रानी का नाम सुनता हूं ना, जब मैं राधा रानी को देखता हूँ, कृष्ण जब गिरिराज उठाए थे हैं, इतने में सामने राधा रानी आ गई। राधा रानी को देख कर तो कृष्ण अपने आप को स्थिर ने कृष्ण डगमगाने लग गए। सखान बोले कन्हैया किधर देख रहे हो, हैं? इधर उधर मत देखा कर, हैं? इतने में क्योंकि कृष्ण सब ब्रजवासी गिरिराज नीचे है ना, अगर गिरिराज गिर गया तो सब पीस जाएंगे। लेकिन राधा रानी को देखते ही कहते ना बंसी करान निपतित स्खलितम शिखंडम, इसलिए राधा रानी को दर्शन मात्र से उनकी बंसुरी गिर जाती है, मयूर मुकुट गिर जाता है, कृष्ण खुद गिर जाते हैं, कृष्ण खुद गिर जाते हैं। इसलिए सखा बोले किधर देख, इधर उधर मत देखा करो। लेकिन राधा रानी तो सामने खड़ी हुई, नजर तो जाएगा, और इसलिए तो गिरिराज उठाए। क्यों? ब्रज गोपियों से राधा रानी से मिलने तो बड़ा कठिन होता है, गिरिराज उठाएगा तो सबका सब सामने आना पड़ेगा, मिलने हो जाएगी, इसलिए तो गिरिराज उठाया उन्होंने, इसलिए अपना बहादुरी दिखाने के लिए। इतने में क्या किया, राधा रानी के शरीर को ना कपड़े से ढक दिया, कपड़े से राधा रानी के शरीर को ढक दिया, और ढक गया राधा रानी का शरीर है। इसलिए इसलिए कृष्ण कहते भैया मेरा नाम सुनकर सारा दुनिया मुग्ध हो जाते, लेकिन मैं जब राधा रानी का नाम सुनता हूं मैं स्वयं
मुग्ध हो जाता हूं। इसलिए कृष्ण ने क्या किया, संपूर्ण रूप में उनके चरण में आत्म समर्पण, किसके चरण में, इसलिए कृष्ण ने देखा। इसलिए मेरे को दो चीज राधा रानी से उधार लेना पड़ेगा, क्या, उनकी भाव को और उनकी अंग कांति को। इसलिए कृष्ण स्वयं उन्होंने राधा रानी के चरण में संपूर्ण आत्म समर्पण करते हुए उन्होंने कलयुग में श्री राधा भाव दूति सुबलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम, उन्होंने कलयुग में उन्होंने श्री सचिनंदन गौर हरि बनकर के आते, बोले सचिनंदन गौर हरि की जय। इसलिए इसको कहते हैं, कौन सा है, इसको कहते हैं अंतरदीप है, अंतरदीप कौन सा, कहते श्री मायापुर और श्री आत्मनिवेदन की स्थान है। कहते उसके बाद में सीमंत दीप है, कहते सीमंत दीप कौन सा, बोले श्रवणाख्य भक्ति है, ये श्रवणाख्य भक्ति है, कहते सीमंत दीप है। ये क्या है, कहते श्री गोद्रुम है, है? गोद्रुम, जो गोद्रुम है, कहते ये कीर्तनाख्या भक्ति गोद्रुम है। ये गोद्रुम नाम क्यों पड़ा गोद्रुम का, इसलिए जब ब्रह्मा जी यहाँ पर तो ब्रह्मा जी अपराध किया कृष्ण चरण में, उसके बाद में फिर इंद्र ने भी अपराध की, 7 दिन तक उन्होंने भारी से बरसाया है, और कृष्ण को गिरिराज उठाना पड़ा और सारे ब्रजवासी गिरिराज तलहटी में आश्रय लिया, और उन्हें 7 दिन तक मूसलाधार से बारिश, वज्रपात और जितने ताकत था इंद्र ने, सब कुछ उन्हें इंद्र ने सारे ताकत लगा दी है। जब ताकत लगा दी, जब उन्होंने 7 दिन के बाद में जब एक दूत को भेजा, देख कर गाओ तो क्या हो रहा है, वो ऊपर ऊपर देख कर गया, बोले प्रभु जी एक चिट्ठी भी नहीं, सबके सब खत्म, एक चिट्ठी भी मैंने नहीं देखा। दूसरे को भेजा, तू देख कर क्या, वो तो ऊपर ऊपर देख कर गया था, वो नीचे आकर के देखा तो चिट्ठी भी मरे नहीं, वहां पर धूल उड़ रहे, वो आनंद ब्रजवासी कृष्ण को दर्शन करते हुए, कृष्ण के मुखारविंद को दर्शन करते हुए, वो तो उत्सव हो रहा है। कृष्ण तो यही सोच रहे थे ना, 7 दिन तक उत्सव करो है, उत्सव करो ब्रजवासियों के साथ में, तो बड़ा आनंद ले रहे हैं। पर इंद्र जब वापस गया दूत ने, बोले बताओ ब्रजवासियों का सत्यानाश हो गया कि नहीं, बोले ब्रजवासियों का सत्यानाश ना, तेरा ही सत्यानाश हो गया। बोले मतलब क्या, जिसको तू बालक समझ रहा था, बालक नहीं, वो तो कनिष्ठ अंगुल नहीं, नख के ऊपर में कछु माखन का बलवड़ो, कछु गोपर ने करी सहाय, राधा रानी की कृपा से गिरिवर लिए उठाए। इसलिए उन्होंने तो गिरिराज गोवर्धन को नख के ऊपर धारण करके रखी। जब इंद्र ने ध्यान लगाया, बोले तो मेरे प्रभु है जिसने कृपा करके हमें इंद्र पद दिया था, फिर उन्होंने बहुत माफी मांगी, लेकिन इंद्र को भी पता चला मेरे अपराध को उन्होंने क्षमा नहीं किया, किया तो है लेकिन उतना क्षमा नहीं किया। इसलिए सोचे क्या किया जाए, क्या किया जाए, फिर उन्होंने देखा इंद्र में भी देखा, यही कृष्ण ही कलयुग में श्री महाप्रभु का रूप में आएंगे। कहते जब महाप्रभु का रूप में आएंगे, कृष्ण लीला में क्या है, जब अगर कोई अपराध किया ना, कृष्ण को पता, इसने ये काम किया, तुमने ये गड़बड़ी किया, माफी मांगने के लिए आए। लेकिन महाप्रभु को लीला में जब आएंगे ना, उसको कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि आप देखना महाप्रभु कौन सा ऐसी पोज में रहते ना, राधा रानी के भाव से महाप्रभु रहते, दिन रात ढोलते हुए ना, महाप्रभु को देखोगे दिन रात एकदम राधा कृष्ण जैसे, राधा रानी कृष्ण प्रेम में जैसे डूबी रहती थी, ऐसे महाप्रभु दिन रात उनके प्रेम में वो एकदम झूमते हुए देखोगे, हैं झूमते हुए उनके प्रेम में देखोगे। इसलिए झूमते हुए होने के नाते उनको और किसी चीज की ज्ञान नहीं है, और किसी चीज की उनकी ज्ञान नहीं। बात अगर कोई आ गया सामने, एक बार गिर गया, माफी मांग लिया, एक बार प्रणाम कर लिया, बस हो गया, उनकी हो गया, महाप्रभु ने उनको माफ कर दिया है, महाप्रभु ने माफ कर दिया उनको। कहते जे आ गए पढ़े तार करे निस्तार, कहते कोई भी एक बार आ गई और सामने गिर पड़ा, प्रणाम कर लिया बस, और वो नहीं देखते थे तुमने पहले किया किया क्या नहीं किया है, एक बार देख ले चक्र जल, अगर एक बार उनने आंखों में आंसू अगर देख लिया महाप्रभु, बोले रिताई बोले करे संबल, उन्होंने महाप्रभु ने उसको गोद में भर दिया, भाई कोई बात नहीं, क्या करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए कहते उन्होंने जब देखे तो उन्होंने गोद्रुम, गोद्रुम मतलब गो मतलब तो गैया, सुरभि गावी, ध्रुव मतलब ताई, वहां पर विशाल एक बटवृक्ष था, है विशाल एक बटवृक्ष था, जिसे बटवृक्ष को नीचे बैठ करके सुरभि गावी के अनुगत में, क्योंकि कृष्ण गोपाल है, गैया माँ है, गो माता है, इसलिए उन्होंने गैया को आगे रख करके उनके अनुगत में वहीं पर उन्होंने भजन किया। और जो भजन किया महाप्रभु स्वयं उनको दर्शन दिया, मैं नवद्वीप धाम में मैं जन्म ग्रहण करूंगा, यहीं पर मैं जन्म लेकर के सर्वत्र हरि भक्ति को मैं प्रचार करूंगा। इसलिए कहते जो कीर्तनाख्या भक्ति गोद्र में है, कहते जो गोद्र में है, कहते क्योंकि जो नवद्वीप धाम की क्या विशेषत्व है, कहते अगर कोई व्यक्ति वृंदावन कोई परिक्रमा करता है उनको केवल वृंदावन धाम का परिक्रमा मिलेगा, लेकिन उनको नवद्वीप धाम का परिक्रमा करने का फल नहीं मिलेगी। लेकिन अगर कोई श्री नवद्वीप धाम परिक्रमा करते हैं ना, उनको क्या होगा, कहते नवद्वीप धाम का परिक्रमा करने का फल तो मिलेगा ही, उसको अनुसंग के रूप में उसको वृंदावन धाम परिक्रमा करने का फल मिल जाएगा, अपने आप मिल जाएगा, अपने आप मिल जाएगा। इसलिए अगर कोई व्यक्ति ये गोद्रमद्वीप में गए, कहते एक तो ये कौन सा भक्ति का अंग है, बोले ये कीर्तनाख्या भक्ति, गोद्रम धाम अगर कोई गया कीर्तन नाक्य भक्ति करने का फल अपने आप उसको प्राप्त हो जाए, कीर्तन करने का फल अपने आप मिल जाएगी। मतलब वृंदावन का कौन सा स्थान दर्शन करने का फल मिलेगा, कहते नंदगांव, नंदगांव ये अभिन्न ये नंदगांव है। इसलिए कृष्ण जैसे नंदगांव में क्या करते थे, ब्रज गोपियों को घर घर में जाकर कृष्ण मक्खन चोरी करते थे, जैसे वो गैया चराने के लिए जाया करते थे, गैया चराया करते थे। इसलिए महाप्रभु जब अपना परिकरों को साथ में कीर्तन करते 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 वहां पर आते थे, और वहीं पर आकर के ना महाप्रभु नित्यानंद प्रभु, एकदम जब नित्यानंद प्रभु आए, जैसे कृष्ण को साथ में नंदगांव गए ना टेर कदम, जैसे पेड़ को नीचे ऊपर में कृष्ण खड़े होकर के क्या करते, बंसुरी बजाया करते थे, टेर लगाया करते थे, कभी गोपियों को बुलाते थे रास के लिए, कभी उन्होंने गैया को बुलाया करते थे, और जब गैया वापस ले जाना चाहते थे उसी पेड़ को पर खड़े होकर के धवली श्यामली कृष्णा ऐसे ऐसे नाम बुलाया करते थे, हैं? जब नाम लेते थे कृष्ण को हाथ में भी एक माला था, जैसे हम 108 मोती का माला जप करते हैं, कृष्ण हाथ में एक माला था, कहले किस चीज, हम तो भगवान का नाम जप करते, कृष्ण किसका नाम जप करते, उन्होंने राधा रानी की, गोपियों की और गैया की, भक्तों का नाम लेते, एक एक मोतियों को मिला मिला कर देखते थे, ये गैया की ग्रुप आ गया कि नहीं, ये गैया की ग्रुप आया कि नहीं, ये गैया की, और जो कोई नहीं आया ना फिर कृष्ण बंसुरी बजा करके वो गैया को बोले धवली कृष्णा, हे नाम सुनते ही वो पूछ खड़े करके भागते भागते आता था। लेकिन जब किसी गैया का नाम लेते वो तो आता था, लेकिन अगर दूसरी गैया ना मान कर लेता था, बोले कृष्ण उसका नाम बुलाया मेरा नाम नहीं बुलाया, हाँ मेरा नाम को नहीं बुलाया, इसलिए वो भी मान कर लेता था। फिर कृष्ण क्या करते थे, उसी गैया का नाम लेते तो भी खुश हो जाता था, मेरे नाम को लिए इसलिए वो भी खुश हो जाते। इसलिए कहते ये वो जो धाम है, कहते ये अभिर नसी नंदगांव है, इसलिए जो नंदगांव है ये क्या है, नंदगांव जहां पर उद्धव कियारी, क्या है उद्धव कियारी, जहां पर उद्धव जी आकर के ब्रजवासियों को प्रेम को दर्शन करते हुए बोले उद्ध शुद्ध है गयो सुनी गोपियों की बोल, ज्ञान बजाए टुकुटुकी बाजे प्रेम की ढोल। जहां पर उद्धव क्यारी स्थान है, जहां पर राधा रानी की प्रेम की सर्वोत्तमता की स्थापन हुई, और जहां पर राधा रानी को प्रेम को देख करके उद्धव जैसे प्रेमातुर जो भक्त है उनने क्या की, बोले बंदे नंद ब्रज स्त्री नांग पाद रेणु अभिक्षण स जासाम हरि को तग तत् पुनादि भुवनत रहे। जहां पर उन्होंने आकर के राधा रानी की चरण की एक धूल को वंदन किया, मतलब राधा रानी की चरण की धूल क्या करेगा, संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को ये पवित्र बनाने में समर्थ है राधा जी की चरण की एक धूल है। जहां पर उन्होंने उद्घोष किया, क्या उद्घोष किया है, जगत में अगर सर्वश्रेष्ठ प्रेम किसकी तो
कहते एताम पराम तनु भीताम ब्रज गोप्या है। कहते अगर जगत में किसकी जीवन धारण करना सार्थक था, किसकी? बोले ये ब्रज गोपियों की। बोले क्यों? बोले मैं स्वयं उद्धव स्वयं ब्रह्मा शंकर भी जिनकी भाव के लिए लालायित तो होते हैं, लालायित तो होते हैं, ऐसे श्री ये ब्रज गोपियों की ऐसे ये महिमा है, ऐसे महिमा। इसलिए जहां पर उनने ब्रज का सर्वश्रेष्ठ प्रेम को जहां पर उनने उद्घोष किया है पंच मोह में उन्होंने, इसलिए उन्होंने कृष्ण इसलिए उद्धव जी को भेजे थे। बोले क्यों उद्धव जी को भेजे थे? उसका कारण बताए। जैसे कोई श्रेष्ठ व्यक्ति अगर कोई बात को बोलता है ना, हम उसको महत्व देते हैं। अगर साधारण कोई बात व्यक्ति बोले, आए उसका बात का क्या महत्व है, वैसे बोलता रहता है। लेकिन अगर मोदी कोई बात बोल दे, मुख्यमंत्री कोई बात बोले ना, बोले भैया उसमें कुछ दम है, उसमें कुछ दम। जब मोदी बोलता है प्राइम मिनिस्टर, जरूर कुछ दम है। उसी तरह कृष्ण सोच रहे थे ऐसे एक व्यक्ति को ब्रज में भेजा जाए जो ब्रज में जाए और ब्रज प्रेम को दर्शन करे, और दर्शन करते हुए पंच मुह में उन्होंने उनके गुणगान को करे, पंच मुह में गुणगान करे, फिर तो लोग वो चीज को महत्व देंगे हैं। इसलिए बोले किसको भेजे? बोले उद्धव जी को। बोले उद्धव क्यों? बोले जो उद्धव है बुद्धि सतम उद्गत तम, बुद्धि में सर्वश्रेष्ठ, बृहस्पति का शिष्य बृहस्पति साक्षात, और वृष्णि नाम प्रवर मंत्री, वृष्णि वस्तु का ये मंत्री है। अगर ये अगर कोई बात को अगर बोलेगा ना, लोग इस बात को महत्व देंगे। इसलिए उन्होंने उद्धव जी को उन्होंने भेजा है, और उद्धव जी को भेजा और भेज करके उन्होंने पंच मुह में उन्होंने ब्रजवासियों की महिमा, ब्रज गोपियों की और राधा रानी की महिमा को जब गाए, तब तो सारा दुनिया उनकी चरण की धूल के लिए वंदना करते हैं है? इसलिए कहते जो गोद्रुम दीप है, ये कीर्तनाख्या भक्ति है, ये अभिर्नश्री नंदगांव है, वहां जाने से नंदगांव जाने का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए गुरु जी कहते थे जैसे वृंदावन में आओ, देखना यहाँ पर कदम का वृक्ष है, तमाल का वृक्ष है, और हर वृक्ष से भी सबके सब यहाँ के लोग क्या कहते हैं? राधा रानी का नाम। बोले राधे राधे सब कहते हैं। लेकिन नवद्वीप जाओ तो वहां पर कौन सा वृक्ष है? नारियल का वृक्ष। देखा कि नहीं नारियल का वृक्ष? खूब पानी पिए होंगे ना वहां पर। और किसका वृक्ष है? कटहल का वृक्ष है, और वहां पर आम का वृक्ष है, ये सब वृक्ष है। और वहां पर यहाँ पर तो सबके सब राधे राधे बोलते हैं, लेकिन वहां पर जाओ तो सबके सब श्री सचिनंदन गौर हरि की, श्री नित्यानंद प्रभु की जय। वहां पर सब श्री नित्यानंद प्रभु का नाम लेते हैं। कहते ये कहते जो 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 सीमंत दीप है, कहाँ चला गया? कहते उसको बाद में कहते ये गोद्रम दीप हो गया, उसके बाद में कहते ये मध्व दीप है, कहते ये स्मरणाख्य भक्ति है, इसको स्मरणाख्य भक्ति कहते हैं। कोल दीप कहते ये पाद सेवनाख्य भक्ति, वहां जाने से पाद सेवन करने का भक्ति प्राप्त हो जाता है। ऋतु दीप कहते ये अर्चनाख्य भक्ति है। बोले जन्हु दीप बोले वंदनाख्य भक्ति है। बोले मधुद्रम दीप दास्य भक्ति है। बोले रुद्रदीप सख्य भक्ति है, हैं सख्य भक्ति है। कहते हैं कहते अद्यापि वो सही लीला करे गौर राय, कोनो कोनो भाग्यवान देखिवार पाए। मतलब है अभी भी महाप्रभु भक्तों को साथ में लीला करते हैं, लेकिन उसको कौन कौन दर्शन कर सकता है? कहते कोनो कोनो भाग्यवान देखिवार पाए, किसी किसी भाग्यवान को दर्शन करने मिलता है। क्योंकि कहते कृपा करिए माया जाल उठाए जखन, तखन देखे भूमि सुनिवल, मतलब हमारे आंखों के सामने एक माया की पर्दा डला हुआ है। इसलिए नवद्वीप धाम का जो दिव्य दर्शन को हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब माया कृपा करके हमारे आंखों के सामने वो पर्दा को हटा लेगी, फिर तो हमें फिर नवद्वीप धाम की जो दिव्यता को हमें दर्शन प्राप्त होगा। जैसे किसने दर्शन किया? बोले जैव धर्म में श्री बाबा जी महाराज, जब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। जब हरि नाम कर रहे थे, हरि नाम करते 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 उनने कैसे दर्शन किया, सूर्य कैसे उदय हो रहा है, अपराकृत मायापुर को दर्शन किया, बड़े बड़े अट्टालिका है, और जितने सारे भक्तों को क्या देखा उन्होंने, सब शरीर में महाप्रभु का नाम लिख और नित्यानंद नाम लिखा हुआ, नामावली का कपड़ा सबके सब शरीर में, स्वयं शंकर जी, स्वयं से ब्रह्मा जी, ऊर्ध्वमुख में श्री सच्चिदानंद गौर हरि की जय। और उन्होंने देखा दिव्य मायापुर धाम को उन्होंने दर्शन किया है, हैं? और जैसे श्री प्रभुपाद श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी, इन लोगों ने जब भगवान की भक्ति की, महाप्रभु की भक्ति की, इनको भी महाप्रभु ने कृपा करके अपना दिव्य धाम को उन्होंने दर्शन कराया। इसलिए अगर हमारे आंखों के सामने से जब माया की पर्दा हट जाएगी, फिर नवद्वीप धाम के अभी भी महाप्रभु लीला कर रहे, अध्यापी से लीला करे गौर राय, अभी भी महाप्रभु लीला कर रहे हैं, लेकिन जो भजन साधन करते हैं उनको ठाकुर जी कृपा करके उनको दर्शन देते हैं। कहते ये जो जैसे श्री वृंदावन धाम है, कहते ये 16 क्रोश है, कहते जो नवद्वीप धाम भी है ना, वो भी 16 क्रोश है, श्री नवद्वीप धाम है, नवद्वीप धाम है। कहते हैं, कहते श्री नवद्वीप धाम की एक क्या विशेषत्व है, बोले विशेषत्व ये है, बोले कृष्ण नाम करे अपराधी रे विचार, अपराधी रे नाम ले नहाए विकार। जैसे जो वृंदावन धाम, अगर हमने कोई अपराध करेंगे ना, कृष्ण नाम विचार करता है, हैं? अपराध रहने पर अगर हरिनाम ले, वो हरिनाम का फल हमें नहीं मिलता है, हैं? नहीं मिलता है, अपराध करने विचार, लेकिन गौर नित्यानंद प्रभु नाम में नहीं से विचार, लेकिन महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का नाम में वो विचार नहीं है। मतलब नाम लय ले अश्रु भय भय अश्रुधार, महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का नाम लेते ही अपने आप हृदय प्रेम में गदगद हो जाता है और आंखों से अश्रुओं की झरी बहने लग जाती है। इसलिए श्री, इसलिए भक्तिमन ठाकुर कहते हैं, दयाल नीताय चैतन्य भोले नाचरे आमार मन, दयाल नीताय चैतन्य भोले नाचरे आमार मन, नाचरे आमार मन, नाचरे आमार मन, ए मन दयाल त नहीं है मार के प्रेम दे, अपराध दूरे जावे पावे प्रेम धर, दयाल नीताय चैतन्य भोले नाचरे आमार मन। इसलिए कहते दयाल नीताय चैतन्य नाम लेकर मेरा मन नाच उठे, क्योंकि कहते क्या, इन्होंने मार खा करके भी उन्होंने प्रेम प्रदान किया, कौन, श्री नित्यानंद प्रभु। जैसे श्री नित्यानंद प्रभु दयालु है, कहते नवद्वीप धाम भी वैसे दयालु, नवद्वीप धाम में कोई परिक्रमा कर तो हमारे जितने प्रारब्ध जितने सारे अपराध है, सारे अपराध हमारी दूर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर कहते हैं एक विशेष बात, यहाँ पर कहते हैं, कहते आराधितम नव वनम, बोलो क्या है, ब्रज कानम नित, इस श्लोक याद कर लेना, नाराधितम नव वनम ब्रज एव दूरे, आराधित द्विज सुत ब्रज नागरस्ते, नाराधित द्विज सुत न तब है कृष्ण। यहाँ पर कहते हैं आराधितम नव वन ब्रज कानन, अगर कोई व्यक्ति वृंदावन धाम में प्रवेश करना चाहते हैं, हैं? तो जब तक कोई नवद्वीप धाम को कोई परिक्रमा नहीं करे, उनका आराधना नहीं करना, तुमको कभी भी वृंदावन धाम प्राप्त नहीं होगा। अगर कोई राधा कृष्ण का प्रेम पाना चाहते हैं, बोले जब तक तुम महाप्रभु का शरण में नहीं जाओगे, तब तक क्या होगा, तुम्हें राधा कृष्ण भी नहीं मिलेंगे। इसलिए कहते नाराधी तो द्विज सुत नतब है कृष्ण, जो व्यक्ति श्री नव धाम को कोई आश्रय नहीं करता है, कृष्ण भक्ति ब्रज प्रेम तो उससे बहुत दूर है, बहुत दूर है। इसलिए श्री अनंत महाविष्णु अनंत देव को कह रहे थे, क्या कह रहे थे, अगर तुम श्री वृंदावन धाम में प्रवेश करना चाहते हो, क्या करो, महाप्रभु का चरण को आश्रय ग्रहण करो, उनके आश्रय के बगैर कोई भी नवद्वीप धाम में कोई प्रवेश नहीं कर सकते हैं, और महाप्रभु का कृपा प्राप्त नहीं हो सकता, महाप्रभु के बगैर कृष्ण और कृष्ण के बगैर महाप्रभु, वृंदावन के बगैर
श्री नवद्वीप धाम, नवद्वीप धाम का श्री वृंदावन धाम। इसलिए अगर कोई प्रवेश करना चाहते क्या करना पड़ेगा, श्री सचिनंदन गौर हरि को चरण को आश्रय देना पड़ेगा। इसलिए कहते चिराद दत्तम निज गुप्त वितम स्वप्रेम नामा मृतम मृतुदार अपामरम जे वितान गौरव कृष्ण जनेभ्य स्तंभम प्रपद्ये। बोले चिराद दत्तम निज गुप्त वितम, महाप्रभु ने क्या किया, बहुत काल से जो प्रेम को उनने छुपा करके रखा था, निज गुप्त वितम जो गोपनीय जो धन था उनने क्या किया, क्या वो स्रोत प्रेम और अपना नाम अमृत गुण ने क्या किया, सब आप आमरम ने कोई विचार नहीं किया, ये पापी तापी सबको उन्होंने मुक्त हाथों से उन्होंने दान किया। कौन, श्री सचिनंदन गौर हरि। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, बोले श्री नवद्वीप धाम की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि वो। तो कीर्तन कर लेते हैं, ठीक है। दावा नल सम संसार दहने दग्ध जीव कुल उधार कारणी करुणा बारी द कृपा बारी दानी बंद से गुरु चरणा कमल नित गीत बाज श्रीहरि कीर्तन। आप लोग ना थोड़ी इसको साफ कर देना, सब जितना कपड़ा हो ना उठाकर सब झाड़ दे। कंपास्रो हाय गौर प्रेमे बंदी से गुरु शरण कमल सदारत जीनी विग्रह सेवने श्रृंगार दियार मंदिर मार्जनी करे नने युक्त अनुगत जने बंदी से गुरु शरण कमल चर्ब चुचल पेयर समय प्रसाद न कृष्ण अति स्वादु है भक्त आस्वादने निज तृप्त रहे बंदी से गुरु शरण कमल श्री राधा माधव नाम रूप गुने अनंत माधुर्य लीला स्वादने लुब्ध चित जिनी हन प्रतीक्षणी बंदी से गुरु चरण कमल श्री राधा माधव नाम रूप गुने अनंत माधुर्य लीला स्वादने लोभ चित जिनी हन प्रतीक्षणी बंदी से गुरु चरण कमल ब्रज जो भद्वंद रति संवर्धने युक्ति कर सखी तने वृंदावनी अति दक्षता है प्रियतम गने बंदी से गुरु चरण कमल सर्वशास्त्री गाय श्रीहरि स्वरूप भक्त गण भावे से अनुरूप किंतु जिनी प्रभु प्रियतम रूप बंदी से गुरु शरण कमल जहार प्रसाद कृष्ण कृपा पाए जार प्रसादे अन्न गति नहीं त्रिसंध्या तिर सब ध्याने भाई बंदी से गुरु शरण कमल गुरुदेवाष्टक अति जत्न करी ब्राह्मे मुहूर्ते पड़े उच्च करी वृंदावन नाथ साक्षात श्रीहरि सेवा पाए सही वस्तु सिद्धि काल बंदी से गुरु गुण सिंधु गुरु चरण जय गुरुदेव जय गुरुदेव
गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा कृष्ण है ते चातुर मुखा अन कृष्ण सेवन मुखा ब्रह्मायते नारदे रमाति नारद हायते व्यास मध्व कह व्यास दास पूर्ण प्रज्ञ पद्मनाभ गति निहरि माधव वंशे अशभ परमहंसे शिष्य बोली अंगी कारकारे अष्टभेर शिष जय तीर्थ नाम परिचय कारदास ज्ञान सिंधु कहा है दयानिधि कारदास विद्यानिधि राजेन्द्र हरिला कहा है ते कार जय धर्म नाम परिचय परंपरा जान बाल माते जय धर्म दासे साते त्रिपुरुषोत्तम यति कहते ब्रह्मन्न तीर्थ सोरी व्यास तीर्थ तार दास लक्ष्मीपति व्यास दास कहते माधवेन्द्रपुरी वरस चवरस नित्यानंद श्री अद्वैत विभो ईश्वरपुरी के धन्य करिले न श्री चैतन्य जगत गुरु गौर महाप्रभु महाप्रभु श्री चैतन्य राधा कृष्ण नाय रूपानुग जनिजीवन विश्वभर प्रियंकर श्री स्वरूप दामोदर श्री गोस्वामी रूप सनाय रूप प्रिय महाजन जीवर गुणतन सार प्रिय कवि कृष्णदास कृष्णदास प्रिय वर नरोत्तम सेवा वर सार पद विश्वनाथ आस विश्वनाथ भक्त साध वर देव जगन्नाथ सार प्रिय श्री भक्ति विनोद महाभागवत वर श्री गौर किश्वर वर हरि भजन तेजार मोद श्री भार्तवन विवरा सदस सेवा कार दैत दस नाम प्रभु पद अंतरंग श्री स्वरूप रूपानुग श्री केशव भक्ति प्रज्ञान गौर्य वेदांत वेत माया भगवत मन गौरवाणी प्रचारिणी धाम केश प्रिय महाजन वाम नारायण गौरवाणी सागर प्राण धन हे सब हरिजन गौरंग सागर उचिष्ठ मोर का गुरु परंपरा गुरु परंपरा परंपरा गुरु परंपरा गुरु वृंदावन वासी जत वैष्णवेर गान प्रथम वंदना करी सवार चरण नीलाचल वासी जत महाप्रभु गान भूमि ते परिया बंद सवार चरण नवदीप वासी जत महाप्रभु भक्त सवार चरण बंद हया अनुरक्त महाप्रभु भक्त जत कौर देश सीति सवार चरण बंद करिया प्रणति जे देशे वैसे
गौरंग रजन उर्दबाऊ करी बंद सवर चरण अयाचे न हरि बिना प्रभु जत दास सवर चरण बंद दंत करि नाथ ब्रह्मांड तारि ते सत्य जानी जानी एबदबू समझी लग जाए तन गाय जे बसोने महाप्रभु गण सब पतित पवन ताई लोभ मुई पापी लाइनो शरण वंदना करिते मुई सत सचिदारी काम बोध दोते मोई संभ मात्र कारी तथा भी मुके रवाग उल्हास दोसक्षमी मौआ कारनी जदास सर्व वंच सिद्धि आए जमा बंद छोटे जागते दुर्लभ हैया प्रेम धन लोटे मन रवचना पूर्ण अचिरात हाय देवकी नंदना दास हे लोभ जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रियाद्वैत गदाधर शिव कवि कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे तुम अभिन के दयालु जगत संसारे पतित पवन हेतु तब अवतार मौसम पतित प्रभु न पाई विहार आहा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सोके कृपा बल कन कर हमी बर दोके दया कर सीतापति अद्वैत गोसाई तब कृपा बल पाई चैतन्य नीताई गौरांगेर निज शक्ति पंडित गदाधर सागर रामचंद्र संग मागे नरोत्तम दा दया कर प्रभु पाद हृदय दास सुध वैष्णवेर कृपा मागे हे अधम दास कृपा कर गुरु देव पतित पावन तव श्री चरणी सेवा मागे हे पतित दयालिताई दयाल गौर दयालिताई दयाल गौर दयालिताई दिव्य धर्म प्रेमर बनलिया नीताई आईला गौर देश
डोबेला भाषाता गाना देना ही ना भाषे देना ही न पति तपा मरना ही बाछे ब्रह्मार गुंधव प्रेम सबा कर जाचे आवध करुणा सिंधु काचिया मुहा घर घर बोले प्रेम हमी अरबान लोचन बोले मोर मीताई जेवाना बजेला जानिया सुनिया से आत्मघात है गौरांग बलिते अबे पुलक शरीरा हरि हरि बोलिते न जाने बबनीरा आर कबनी ताई चांदे करुणा है वे संसार वासना मोर कब तुच्छ बेसया छरिया कब शुद्ध अभिमान कबे हा महेरव श्री वृंदावन रूप रघुनाथ कबे अब आकोटी कबे हम बुझबसे युगल प्रीति रूप रघुनाथ पदे रघुकुमार प्रार्थना करे कदा नरोत्तम दास दयाल मिताय दयाल गौर बोलो जीव जाग चांद बोले कत निद्रा जाओ माया पिता चीर कोले भजीव बोलिया से संसार बितारे बोलिया रहले तुम्हें अभिदार बोले तुम्हारे लई थे इधर झाड़ लगा था हार न बंधु बोल क्या छे तुम्हार एन चिया साधी माया नसीबार लागे हरि नाम महामंत्र लह तुम्हें मागे भक्ति विनोद प्रभु हरिया से हरि नाम मंत्र जय सची नंदन जय गौर हरि सची नंदन जय गौर हरि जय उज्ज्वल वरण गौरव हर देह मेरे को दे दो बिलसती निज भाव देह त्रिभुवन पावन कृपया लेत तम प्रणमामिक श्री सचितनाय गद गद अंतर भाव विकार दुर्जन तर्जन नाद विकार सब भय भंजन कारण करुण तम प्रणमामि च अरुणाम्बर धर चारु कपोल इंदु विनिंदित नख चय रुचिर जल्पित निज गुण नाम विनोद
तम प्रणमामि च त्रिसचितनयम् विगलितनयनक मालजलधारम् भूषण नवरत गति अति मंथर नृत विलास तम प्रणमामि च चंचल चारु च रण गति रुचिरम मंजीर रंजित पद युग मधुरम चंद्र विनिंदित शीतल बदनम तम प्रणमामि च कृतकति धृतकति दोरकम दलु दंड दिव्यकलेवर दुर्जन कालमस खंडन दंड तम प्रणमामि च त्रिसचितनय भूषण भोरज अलकावलित कंपित बिंबाधर पर रुचिर मालयज विरचित उज्ज्वल तिलक तम प्रणमामि च त्रिसचितनय निंदित अरुणक मालदल नयन आजानुलंबित त्रिभुज जुगल कलभर कैश्वर नर्तक वेश तम प्रणमामि च त्रिसचितन जय सचिनंदन जय गौर हरि सचिनंदन जय जय राधे जय जय माधव दैते गोकुल तारुणी मंडल मोहिते दामोदर रति वर्धन बेते हरि निस्फुट वृषभानुदधि नव सचिलेखे ललित सखि गुण रमित विकासे करुणा कुरुमै करुणा भरीते कनक सनातन वर्णित चरिते जय राधे जय माधव दैते हरि कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि गौर ब्रह्मानंद हरि जय श्री शुक्र गौरांग गंधर्व का गिरधारी राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मंजू विजय नित्य लीला प्रभु